नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर। दफ्तर तोड़ने पर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की बाबर से की तुलना। मुंबई हाईकोर्ट ने दफ्तर तोड़ने पर लगाई रोक। 171 दिनों बाद पटरी पर मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार। स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर की हुई चेकिंग। मेट्रो में लंबे समय बाद सफर कर यात्री हुए खुश। पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों से किया संवाद। पीएम ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन अपनाने की दी सलाह, साथ ही प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की कही बात। एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई ने आज एक नया मोड़ ले लिया है। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके दफ्तर को तोड़ दिया है। दरअसल बीएमसी की टीम मजदूरों और जेसीबी के साथ सुबह से ही कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। अब इस एक्शन के बाद कंगना रनौत काफी भड़क गई है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से कर दी है और उन्होंने ट्वीट कर ये भी लिखा है कि ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उद्धव सरकार से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूरों के साथ कंगना के दफ्तर पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इस बीच कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना कहा है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की जेसीबी चली तो कंगना रनौत बुरी तरह भड़क गई, जिसके बाद कंगना ने ताबड़तोड़ ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा कि बीएमसी कर्मियों की तुलना बाबर की सेना से की है और कहा कि ये मंदिर फिर से बनेगा। मैं कभी गलत नहीं हूं और मेरे दुश्मन बार बार साबित कर रहे हैं कि मेरा मुंबई अब पीओके हो गया है। अवैध निर्माण को गिराने से पहले कंगना रनौत के दफ्तर को एक और नोटिस भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि कंगना रनौत ने अपने वकील के माध्यम से जो आवेदन दायर किया था उसे खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा अभी भी कंगना ने बीएमसी नोटिस का जवाब नहीं दिया है, इसलिए उनका निर्माण अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। अनलॉक 4 के तहत 171 दिन बाद आज दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन एक बार फिर से अपने ट्रैक्स पर वापस आ गई है। इन ट्रेनों में सफर करते हुए यात्री आज काफी खुश दिखे। यात्रियों के साथ साथ प्रशासन ने भी यात्रियों के लिए सुविधा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आपको बता दें कि 2 दिन पहले येलो लाइन भी स्टार्ट हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पिछले करीब 5 महीने से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो 2 दिन पहले शुरू हुई थी। हालांकि इस दौरान सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं शुरू नहीं हुई थी। अब बुधवार से दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन पर सेवा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के बीच शुरू हुई मेट्रो को लेकर सुरक्षा और सावधानियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जो भी यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जा रही है। हाथ को सैनिटाइज करने के लिए भी स्टेशन पर बंदोबस्त किया गया है। जो यात्री बैग लेकर पहुंच रहे हैं उनके बैग को भी सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है और स्टेशन पहुंचने से पहले टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बट उसमें क्या है एफिशिएंसी पूरी आउटपुट निकल नहीं पा रहा था। तो अभी क्या है ऑफिस आने से क्या है काफ़ी कुछ, मतलब हमारा जो आउटपुट है एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। प्लस मेट्रो ने भी काफ़ी कुछ अच्छा, मतलब वो प्रिकॉशन क्या हुआ है, सारी सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस मतलब है कि मतलब कि बचाव है पूरी तरह से मेट्रो। सिंस आप सेल्स हैं तो काफ़ी ट्रैवल आपको करना पड़ता होगा। Yes. तो आपको लगता है कि मेट्रो के रिजम्पशन से आपको काफी सहूलियत होगी, इनफैक्ट Yes, पैसे Yes. भी आपके काफी बचेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। कई महीनों बाद मेट्रो पटरी पर दौड़ी तो लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। जितने दिन मेट्रो बंद रही लोगों को सफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग ज्यादा पैसे खर्च कर और जोखिम उठाकर सफर कर रहे थे। ट्रैवलिंग में काफी प्रॉब्लम था, मतलब कम्यूट करने में काफी दिक्कत था। सिंस आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर तो और ज़्यादा मतलब होता है कि मतलब ऑफिस जाना ही जाना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है कम्यूट करने में, आने में जाने में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं? नोएडा से एम्स। इट इज़ फीलिंग वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज, ऐसा लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा जी। तो सिंस आप स्टूडेंट हैं तो फाइनेंशियल क्रंच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जी, तो क्या मेट्रो से वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा? जी, इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग राइट नाउ एंड हमें बचाने होते हैं पैसे। अगर हम कैब्स या रोडवेज से जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग जाएंगे। मेट्रो इज़ वेरी रीजनेबल फॉर अस। मेट्रो तो पटरी पर दौड़ पड़ी है, स्टेशनों पर भी भीड़ नजर आ रही है। बहरहाल प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी भी कर ली गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। करीब 171 दिनों बाद शुरू हो रही इन दोनों लाइनों पर मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट INSTV। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 90,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो पिछले 24 घंटे में भी करीबन 90,000 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 1100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण अपने देश भारत में फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में 89,706 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,115 लोगों की जान चली गई है। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,70,128 हो गई है। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं, साथ ही सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 20,131 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 943,772 हो गई है। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 3,609 नए मामले सामने आए, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,97,135 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 71 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 6,622 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 2,78,473 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच बस राहत की बात है कि बाकी राज्यों में इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में रिकवरी रेट यानी संक्रमण से ठीक होने की दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INSTV। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।